हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लाई हूँ आपके लिए सबकी पसंदीदा डिश पनीर टिक्का की रेसिपी, जो बहुत ही जल्दी बन जाती है एकदम हेल्दी वे में, और हम आज भी बनाएंगे इसे घर पर। तो चलिए रेसिपी शेयर करती हूँ। पनीर टिक्का के लिए हमें हंकट की ज़रूरत पड़ती है। ये दही को आप नॉर्मल दही होता है, इसे आप छालनी में रख दीजिए और पानी सारा निकल जाएगा, वही दही है ये। इसमें मैं लूँगी 1 चम्मच गोल मिर्च, 1 चम्मच लूँगी इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच चाट मसाला। यदि चाट मसाले में नमक ज़्यादा है तो आप कम कर दीजिएगा काला नमक की क्वांटिटी, और 1 चम्मच लूँगी गरम मसाला और थोड़ा सादा नमक। और इसमें लेंगे मैं 1/2 कटोरी चना का सत्तू और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और थोड़ा सा लूँगी कसूरी मेथी, ऐसे हाथ से मैंने रब कर लिया है, और डाल देंगे। इसके बाद देखिए ये कसूरी लाल मिर्च, से कलर बहुत अच्छा आता है, आप यही मिर्च का इस्तेमाल कीजिएगा। और 1.5 से 2 नींबू का जूस लेंगे। यदि आपकी दही ज़्यादा खट्टी है तो आप नींबू की जूस की क्वांटिटी कम कर दीजिए। हम लेंगे सरसों तेल, उसे अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे ताकि उसका धुआं निकले, और अच्छी तरह से गर्म करने के बाद देखिए हम मसाला पर मिला देंगे, जिससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा पनीर टिक्का का। तो इसे हम अच्छी तरह से अब मिला लेंगे, जो दही है, दही का मिश्रण और जो मसाला है इस तेल में मिलने के बाद बहुत ही अलग सा कलर आता है, बहुत ही डिफरेंस है, इसमें लाल रंग आ जाएगा। और यदि कलर नहीं आता है तो जैसे होटल वगैरह में कलर डालते हैं ऊपर से, तो हम कलर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम लाल मिर्च का इस्तेमाल किए, वो तीखा भी कम होता है और कलर भी अच्छा देता है। यदि आपको तीखापन ज़्यादा चाहिए तो आप और नॉर्मल लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पनीर इसको क्यूब में काट रखा था, वो पनीर डालूँगी मैं, और शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज भी मैंने क्यूब्स में काट लिया है। अब हम सभी को डाल करके मैगनेट करेंगे। तो मैगनेट करने के लिए देखिए आप हाथों से मैगनेट कीजिएगा, चमची का इस्तेमाल मत कीजिएगा, नहीं तो पनीर बहुत सॉफ्ट होता है, वो टूट जाएगा। तो हमें मसाले को धीरे धीरे से अच्छी तरह से सभी सब्जी और पनीर के ऊपर लगा लेंगे। तो मसालों को मैगनेट करने के पहले आप एक बार मसालों को ज़रूर टेस्ट कर लीजिएगा, नहीं तो फिर ऊपर से मसाला देना फिर मुश्किल हो जाएगा, तो क्योंकि फिर वो मिलेगा नहीं। तो आप एक बार नमक और मिर्च एक बार टेस्ट कर लीजिएगा। तो इसे धीरे धीरे हम मैगनेट कर लेंगे। तो हमारी पनीर और सभी सब्जी अच्छी तरह से मैगनेट हो चुके हैं। अब हम इसे थोड़ा देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। 15 से 20 मिनट आप रख दीजिएगा, और यदि आपके पास थोड़ा समय ज़्यादा हो तो आप 1 से 2 घंटा तक रख दीजिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो देखिए हमारा मैगनेट किया हुआ पनीर अब रेडी है, अब हम इसे पकाएंगे। इसे पकाने के लिए मैं एक फ्राई पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप भी फ्राई पैन का इस्तेमाल करिएगा, इससे क्या होगा ना पनीर चिपकेगा नहीं और बहुत ही अच्छी तरह से ये पनीर सिक जाएगा। तो देखिए एक एक करके मैं ऐसे सभी पनीर, शिमला मिर्च और टमाटर को ऐसे रख दूंगी फ्राई पैन के ऊपर, और हम धीमी आंच पे इसे सेकेंगे। तो धीरे धीरे हम इसे चारों कोने से सेक लेंगे, तो हम इसे पलट पलट कर सेक लेंगे। आप चाहे तो इसे सेकने के लिए घी या तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मेरा जो मैगनेट किया हुआ मसाला था ना, उसी से ही तेल रिलीज हो जा रहा है, इसीलिए मुझे ऑयल या घी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं ऐसे ही सेक लूँगी, ये ऐसे ही सिक जा रहा है। तो देखिए हमारा पनीर टिक्का रेडी है सीख करके, अब धीरे धीरे मैं इसे निकाल लूँगी एक प्लेट में। पनीर टिक्का को बहुत ज़्यादा मत सेकिएगा, ये बिल्कुल रेडी है, ज़्यादा सेकने पर फिर ये सॉफ्ट नहीं रहता, हार्डी हो जाता है। ये बिल्कुल रेडी है, अब हम इसे सर्व कर देंगे, और मैं इस पर थोड़ा सा नींबू का जूस और थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दूँगी, जिससे इसका टेस्ट और भी इन्हेंस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी, देखिए हमारा पनीर बहुत ही सॉफ्ट बना है। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यदि मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर आऊँगी नई और इजी रेसिपी के संग, तब तक के लिए बाय बाय।